पबजी मोबाइल भाई, ये जो गेम है ना, इसका पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और अभी भी है। और भाई अगर आप खेलते हो ना पबजी KR कोरियन वर्जन या फिर आप ग्लोबल वर्जन APK वाला खेलते हो, तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए कतई इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यार ये जो वीडियो है ना इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना, वो भी बिना स्किप करे बगैर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस एक सवाल, जब हम पबजी मोबाइल खेलते हैं ना कि यार ये इलीगल तो नहीं है या फिर हमको कुछ इससे नुकसान वगैरह तो नहीं होने वाला है? तो गाइस सिंपल सी बात है, जो आप VPN ऑन कर पबजी मोबाइल को एक्सेस करते हो वो साफ तौर से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो भाई मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो आपका पबजी ग्लोबल वर्जन है यानी कि APK वर्जन है ना, आप उसको तुरंत भाई अनइंस्टॉल कर दो। क्यों? क्योंकि यार APK वाला ग्लोबल वाला ना चाइना से लिंक करते हैं और भाई इसीलिए तो गवर्नमेंट ने बैन किया है पबजी को। तब भी भाई हम कहाँ पबजी के बगैर रह सकते हैं? तो भाई जो पबजी KR है ना, क्या उसमें मतलब ऐसा कुछ खतरा है गवर्नमेंट ने बैन वगैरह किया है? तो भाई रिसेंटली DNA की एक रिपोर्ट में पता चला है कि जो पबजी कोरियन वाला है ना भाई, वो साफ तौर से लीगल है, उसको आप आराम से खेल सकते हो। तो भाई यहाँ पर ये कंक्लूजन उठता है कि आपका जो ग्लोबल यानी कि APK वाला, उसको अनइंस्टॉल अभी के अभी कर दो। और भाई अभी आप बोलोगे कहाँ से आप पबजी KR वगैरह डाउनलोड करें, तो भाई क्या ज़रूरत, आपके भाई ने उसके लिए वीडियो बनाई है कब की। तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लो या फिर ऊपर आई बटन है वहाँ से आप पबजी KR डाउनलोड कर लो, ग्लोबल को छोड़ ही दो। तो गाइज अगर आप गेमर और या फिर आपको टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है।